ये पहल तो हमें सबसे पहले करनी चाहिए थी एज ए इंसानियत। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर हम ये भी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इस कदम को आगे बढ़ाएं। अब अगर कोई आवाज़ उठ रही है, हम ये नहीं मानेंगे कि आतंकवादी है या कोई है, वो आतंकवादी होगा अपने घर का होगा, लेकिन हमारे लिए एक मुसलमान है और मुसलमान ये है। खाने पीने का हो या और चीज़ों का हो, हमारे प्रधानमंत्री जो कराए मैं उसके लिए बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो उस जगह को उन्होंने फिर धीरे धीरे कब्जा लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे? अपनी जगह लेने के लिए एक ना एक दिन तो हाथ कदम उठाने पड़ेंगे। गलत कभी देखा कि मुसलमान ने धर्म के नाम पे किसी को मारा है? मतलब पता चले कि उसको जगह रहने के लिए भी जगह दी, कच्चे बनियान में आ गए, अब उनको जगह भी दे दी, उल्टा उन्हीं पे वार कर। हम लोग किसी की सपोर्ट में नहीं, हमें मानवता की सपोर्ट में, इंसानियत की सपोर्ट। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने जो ना 60 लाख यहूदियों को जलाया था, क्या बोला था कि मैंने यहूदियों की 90% जो पॉपुलेशन है ना वो खत्म कर दी, जो उन्होंने यहूदियों को सपोर्ट करा था और उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आके रहो। अब इनको हटाना क्योंकि इन खतरा भी बन सकते हैं, तब वही खतरा को उन्होंने महसूस कर लिया फिलिस्तीनियों ने, तो इस वजह से उन पर दोनों में आपस में अटैक हो रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, पहले से ही चल रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7 अक्टूबर को जो इसराइल में हुआ, लोग सो रहे थे और सुबह सुबह एक रॉकेट छोड़ा गया और सुबह की नींद जो खुली वो रॉकेट से खुली, पुलिस की सायरन से खुली, और यही था युद्ध का आगाज़। और उसके बाद शुरू हुआ खूनी जंग और जानलेवा हमले शुरू हो गए। जब इसराइल ने उसके बाद हमास पर अटैक करना शुरू किया तो पूरे दुनिया भर के मुसलमानों में और भारत के पूरे मुसलमानों में खासा गुस्सा देखने को मिला, जगह जगह प्रदर्शन किए गए। इसी को लेकर हम आज जामा मस्जिद पे उपस्थित हैं और यहाँ के मुसलमानों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन पर जो है इसराइल लगातार अपने रॉकेट छोड़ रहा है, गाज़ा पर जिस तरीके से अत्याचार चल रहा है, इस पर मुसलमान क्या सोच रहा है, क्या कहेंगे सर? जो कुछ गाज़ा में चल रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, गाज़ा में जो चल रहा है कि वो फिलिस्तीन पे जो जुल्म होता चला रही है, इसराइल जो कर रही है सन 1962 से जुल्म कर रही है, अब अगर उसके बारे में कोई उठा है, कोई आवाज़ उठ रही है, मुसलमानों की कंट्रीज जितनी उठ रही हैं, तो अब कुछ लोगों को, या अमरीका हुआ या और जैसा अमरीका जैसा दूसरा कोई मुल्क है, उनमें ये वो है कि मुसलमान क्यों बोल लिए। अरे मुसलमान क्यों नहीं बोलेगा? एक आदमी पे जुल्म करे जा रहा, तो वो जुल्म अत्याचार से रही है कब से। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग हमास के समर्थन में है, जो आतंकवादी संगठन है। नहीं नहीं, हम हमास के समर्थन में नहीं है बिल्कुल, हम सिर्फ फिलिस्तीन के चक्कर में अब उसके नहीं, मुसलमान सिर्फ धर्म के समर्थन में, धर्म को लेकर जो है समर्थन दे रहा है फिलिस्तीन। नहीं नहीं नहीं, इस बात को मत सोचो बिल्कुल, इस बात को सोचो कि एक अत्याचार जिस पे हो रही है, अत्याचार किस पे हो रही है? एक मजलूम लोगों पे हो रही है कि जिनका कोई मतलब लेना देना ही नहीं है किसी तरीके से, उन लोगों पर अत्याचार हो रही है, तो वो बेचारे सहते चले आ रहे हैं। अब अगर कोई आवाज़ उठ रही है, हम ये नहीं मानेंगे कि आतंकवादी है या कोई है, वो आतंकवादी होगा अपने घर का होगा, लेकिन हमारे लिए एक मुसलमान है और मुसलमान ये है कि वहाँ से जो जुल्म सह रहे थे अब उनके लिए कोई उठा है। एक आवाज़ ये उठ रही है कि शुरुआत तो फिलिस्तीन ने ही किया, अब वो आपस से जब उनको जवाब मिल रहा है तो इसमें दुख जताने वाली क्या बात है? जब जंग की शुरुआत की है तो भुगतो। हम जो है इंसानियत के इंसानियत चाहते हैं, हम ना आतंकवाद के उस समर्थन में, इंसानियत होनी चाहिए पूरी पूरे उसमें। इंसानियत कैसे आएगी? इंसानियत ऐसे ही आएगी भाई भाई, एक जो क्या नाम है, कौम परस्ती ना हो, धर्मवाद नहीं आओ, एक को देख के एक खुश हो, कोई भी कोई सी धर्म से भी हो। पूरी वर्ल्ड में इंसानियत होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में इंसानियत होनी चाहिए, भाई को भाई समझना चाहिए। जिस तरीके से देखिए, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, सबने ही फिलिस्तीन का समर्थन दिया है और सबने किए। अब आज के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने किया, हम उसको नहीं कहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। वो एक विदेश नीति के तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इसराइल जो है युद्ध में समर्थन देता है, इनको तोप गोले देता है, लड़ाकू विमान देता है, इसलिए भारत उसके साथ है। तो भारत अगर उस नाते है तो दूसरी तरफ भी तो कम से कम समर्थन देना चाहिए कि हाँ जी मैं भी इनके साथ हूँ। जो भारत की सहायता करेगा भारत उसी का साथ देगा ना। नहीं नहीं, पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी तो फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है, जो पहले प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी तो आवाज़ उठाई है, तो उनके टाइम में यानी कि सामान नहीं मिलता था असला, हमें जो भी असला चाहिए होता था, तो क्या सिर्फ जब से ही फिलिस्तीन से ले रहे हैं? लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री भेज दी है, फिलिस्तीन पहुंच भी गया है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में होता रहे कि जहां भी किसी पर जुल्म हो, हम इसी तरीके से उसके लिए के एक अच्छा काम करें।
खाने पीने का हो या और चीज़ों का हो, हमारे प्रधानमंत्री जो कराए मैं उसके लिए बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है ये। क्या कहेंगी अम्मा, क्या मानती है फिलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है उस पर क्या कहेंगी आप? बस प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बाकी सपोर्ट इजराइल का समर्थन कर नहीं, भी इजराइल का समर्थन नहीं होना चाहिए। इजराइल के समर्थन में नहीं है आप? नहीं, नहीं। किसके समर्थन में? मैं फिलिस्तीन के समर्थन में हूँ, गाजा के समर्थन में। क्यों समर्थन में फिलिस्तीन के समर्थन में? वो कब्जा कर रखा है उसकी जमीन को, कब्जा करना, दूसरे का जमीन को दूसरा क्यों कब्जा करेगा? वो ताकतवर देश है, उसने कब्जा कर लिया, अब क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों है? जो कमजोर है उसको कोई नहीं देखेगा, सब मिल के उसको देखे, जो कमजोर है उसको देखे, उसकी वाहवाही होती है। भारत जो है इसलिए समर्थन दे रहा है इसराइल को क्योंकि भारत को इसराइल से फायदा है। विदेश नीति ऐसी होती है जिससे फायदा है उसके साथ रहेंगे युद्ध में। पब्लिक से है, इंसान से है, यूँ नहीं कि देश से फायदा है। देश से फायदा आदमी नहीं रहेगा, उसकी इज्जत नहीं होगी, मारे जाएंगे, तो इंसान ही मारा जा रहा है ना, आवाम मारी जा रही है, इससे फायदा क्या? भारत के मुसलमान पर लोग गुस्सा हो रहे हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर लोगों को समर्थन देते हैं। मुसलमान से तो ऐसे ही लोग नाराज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? अब ये तो प्रधानमंत्री जाए ना, वो लोग सारा सिस्टम बिगाड़ रखे हैं सारे लोग। आतंकवादी माने जा रहे हो कि एक आतंकवादी का समर्थन दे रहे हो, हमास आतंकवादी संगठन है, उसके समर्थन में आप लोग खड़े हो। सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है। इजराइल आतंकवादी है? हाँ, कौन बोल रहा था जी, कौन है जो, किसको लगता है आतंकवादी? इसराइल हमास नहीं, इसराइल आतंकवादी है। सबसे बड़ी इंसानियत होती है। हाँ। और ये ज़रूरी नहीं कि, और ये ज़रूरी नहीं कि जोइश बच्चे वाले या पैलेस्टीन वाले। हाँ। बच्चा बच्चा होता है, जो भी मैटर है वो आप लोग इंटरनल सुलझाइए, बच्चों में इसमें मतलब ना घसीटिए। तो बच्चे तो सर इसराइल में भी मरे हैं और उसी का वो लोग बदला ले रहे हैं। ज़्यादा किसमें मरे हैं आप ये भी तो सोचिए। तो कह रहे जब शुरुआत उन्होंने की तो आप भुगतो। क्या शुरुआत उन्होंने की? आपने हिस्ट्री पढ़ी पैलेस्टीन की? हम कभी इन सब में बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बच्चे को आप देखते हैं ना रोते हुए, जब उनके, जब माँ बाप उनको उठा के ले जा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे सर, क्या जो चल रहा है फिलिस्तीन में क्या कहना चाहेंगे उसको? जब कोई हमारी ज़मीन पे कब्जा करेगा तो हम उस पर क्या बोलेंगे? जब हमारी कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा हम तो उसे फिर लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना हक छीनेंगे ना उससे। फिलिस्तीन पहले भी हमारा था और आज भी है। तो जब दो देशों के बीच युद्ध होगा तो लोग तो मरेंगे ही। शुरुआत तो इजराइल ने की थी, शुरुआत हमास ने कर दी थी, सोते हुए लोगों पर रॉकेट दाग दिया, अब इजराइल अपना बदला ले रहा है। ये बात तो पुरानी है ये समझो। पहली शुरुआत तो उनकी थी, इजराइल को हमने सपोर्ट किया पहले। रहने के लिए जगह दी थी ना हमने रहने के लिए उन्हें। तो उस जगह को उन्होंने फिर धीरे धीरे कब्जा लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे? अपनी जगह लेने के लिए एक ना एक दिन तो हाथ कदम उठाने पड़ेंगे। गलत घर पे कोई कब्जा कर लेगा आके, उसके बाद पता लगेगा, ऐसे भी पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहे कह के चले गए कि घर पे कब्जा कर लेगा उसके बाद। नहीं तो कोई किसी घर पे कब्जा करेगा तो वो अपना घर लेने का हकदार तो है ना, वो लड़ेगा, कुछ भी करेगा, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना उस चीज के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में जो भी मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, कह रहे हैं ये धर्म के नाम पर किसी का भी सपोर्ट कर देते हैं। ये तो गलत है, अगर जो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आतंकवादी को ही है। हम तो एक भाईचारे में, सिर्फ धर्म दिखता है, सिर्फ धर्म दिखता है, देश नहीं करते हैं। यहाँ इंडिया में धर्म की राजनीति ज्यादा होती है बीजेपी में। ये है, आप कहा जा रहे कि जब भारत ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, तो पूरे भारतवासियों को भी कहना चाहिए कि हम इसराइल के साथ हैं, आप लोग फिलिस्तीन के साथ चले गए। नहीं तो अकेले बंदे से कुछ होएगा, क्योंकि वो तो ये है जामा मस्जिद की पब्लिक जो कि साफ तौर पर कह रही है कि फिलिस्तीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो एक अत्याचार है, और इसराइल के साथ जो है, इसराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीन के साथ जो है अत्याचार कर रहा है। क्या कहेंगे जो कुछ फिलिस्तीन पर चल रहा है, गाजा में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ चल रहा है इसराइल। हाँ। और इंसानियत का दुश्मन है। कौन इंसानियत का दुश्मन है? इसराइल। इसराइल? हाँ। किस तरीके से इंसानियत, वो तो अपना बदला ले रहा है ना, उनके बच्चों को मार दिया गया सोते हुए, फिलिस्तीन पर अटैक करता है। हाँ। तो अब जो है फिलिस्तीन बदला के मूड में है। हाँ, फिलिस्तीन बदला के मूड में। हाँ। लेकिन अभी तो फिलिस्तीन की हालत गंभीर हो गई है ना, वो तो ऊपर वाला जाने क्या होगा। हाँ।
सवाल आप लोगों पे उठ रहा है कि आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति, धर्म धर्म के सपोर्ट में हिंदुस्तान के लोग करते हैं, धर्म के नाम पर किसी के भी सहायता, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोग करते हैं राजनीति। हाँ। जो ये हिंदू लोग हैं वो करते हैं राजनीति, हिंदू लोग करते हैं। हाँ। मुसलमान नहीं, नहीं नहीं मुसलमान नहीं करते, मुसलमान बहुत सारे के किसी को मार दिया। हाँ। कभी देखा कि मुसलमान ने धर्म के नाम पे किसी को मारा है? अच्छा। ये बताइए आप मुझे, कौन मारता है? जो भी मारते हैं देखो कभी भी, तो वहाँ भी तो वो पूरा इसका फिलिस्तीन की जगह है। हाँ। वहाँ पे इसराइलियों को ऐसी बसा दिया, वो हुकूमत उल्टा ही कर रहे हैं। हाँ। मतलब पता चले कि उसको जगह रहने के लिए भी जगह दी, कच्चे बनियान में आ गए। हाँ। अब उनको जगह भी दे दी, उल्टा उन्हीं पे वार कर रहे हैं। मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, बस ये जिसमें खाया उसी में छेद कर दिया, ये बात है। अब उन्होंने ही अपना, जब जिस मान के चलो किसी को रोटी नहीं मिलेगा तो हमला करेगा ही। हाँ भाई मुझे रोटी चाहिए जो मेरा हक है, तो बस वही वही हक के लिए हमास उससे लड़ रहा है इसराइल से। और आखिर जगह तक इसराइल को जगह दी गई थी, ठीक है। हाँ। फिलिस्तीन में मूल रूप से इसराइल का कोई अस्तित्व तो नहीं था, ठीक है। 1948 में जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग, अब इसराइल क्या कर रहा है पता है? धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है। हम लोग किसी की सपोर्ट में नहीं, हमें मानवता की सपोर्ट में, इंसानियत की सपोर्ट में आ जाते हैं। इजरायली जो है दिमाग से तेज होते हैं, थोड़ी सी जगह ली उसके बाद पूरा कब्जा कर लिया, इतने रॉकेट बना लिए, तमाम डेवलपमेंट कर लिया, वो उनके दिमाग की उपज है। तो आप जानती है ना इस बात को, इस बात को आपको उठाना चाहिए। वो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करना है, हम कोई धर्म की राजनीति करना है। इजरायल के लिए कहा जाता है कि वो अपने काबिलियत पर उतना पहुँचे हैं, हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। हम आपको पता होना चाहिए इजराइल ना, इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था, ठीक। हाँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा है, वेस्ट बैंक गाजा पट्टी दोनों तरफ बढ़ाया इसने, ठीक है। 3.5 लाख लोग मारे चुके हैं इजराइल के हमले में, उसमें किसी ने नहीं उठाया था मुद्दा, ये बताइए आप। एक्चुअली क्या था, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं आपको जो ना 70 साल पीछे लेकर जाऊंगा। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने जो ना 60 लाख यहूदियों को जलाया था, उसके बाद में उसने क्या बोला था कि मैंने यहूदियों की 90% जो पॉपुलेशन है ना वो खत्म कर दी। ये बात लोगों को अभी बुरा लग रहा है, बट जब 70 साल के बाद में जब आप इस बात को देखोगे ना, इनको बुरा लग रहा है। हाँ, जो यहूदी के सपोर्ट में था ना उस टाइम जब हिटलर ने उनको जलाया था, तो उसने एक बात कही थी कि जो हिटलर को जो मैंने यहूदियों को जो मैंने जलाया है ना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी लोगों को लग रहा है कि मैंने उनके साथ में बहुत गलत करा है, बट एक टाइम ऐसा होगा कि यही लोग कहेंगे कि हिटलर ने उस टाइम बहुत सही कहा था। एक फिलिस्तीनी थे जो उन्होंने यहूदियों को सपोर्ट करा था और उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आके रहो, बाद में क्या हुआ उन्होंने धीरे 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 क्या करा, फिलिस्तीन को कब्ज़ा कर लिया। आज क्या पूरा फिलिस्तीन जो यहूदियों के कब्ज़े में है, मतलब जिनने उनको रोटी दिया, पानी दिया, सर सुखाने को छत्ती दी, आज क्या कर रहे हैं वो, आज वो उन्हीं पर हमला कर रहे हैं वो, तो ये तो गलत बात है ना। उनको भी सोचना चाहिए कि भाई इन्होंने उस टाइम पर हमें छत्ती दी रहने के लिए और आज हम उनके साथ में क्या कर रहे हैं, तो ये क्या आधे कपड़े आप बता रहे हैं बोलिए। हाँ, ये आधे कपड़े का जहाँ तक हमने देखा है कि मतलब देखा वो फोटो वगैरह में कि आधे कपड़े में आए, जो भी इतिहास है उतना तो नहीं जानता, जितना पता है उतना मैं बता सकता हूँ। अब वो आया, अब जब तक पता चला फिलिस्तीनियों से हमें ज़रूरत थी, उनसे ज़रूरत लिया, अब वो पता चला कमज़ोर हो गए, अब इनको हटाना है क्योंकि इन खतरा भी बन सकते हैं, तब वही खतरा को उन्होंने महसूस कर लिया फिलिस्तीनियों ने, तो इस वजह से उन पर दोनों में आपस में अटैक हो रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, पहले से ही चल रहा है, तो बस इसी चक्कर में हमास ने उस पर अटैक किया। ये आज की बात नहीं है, ये जो फिलिस्तीनी और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है ना, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है ये। और मैं आपको पिछले अगर 15 साल की बात बताऊँ, मैं 15 साल में यहूदियों ने जो है, जो इसराइल है, इसराइलियों ने पिछले 15 साल के अंदर 3 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मारा है, जिसमें तकरीबन 40% बच्चे हैं, 40% बच्चे, मतलब वो अभी से जुल्म नहीं कर रहा है वो इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन। इनकी जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन सवाल हमास पर ज़्यादा उनकी बर्बरता पर उठ रही है कि कैसे वो लोग महिलाओं को किडनैप करके ले जा रहे हैं, उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं। आपने जो ना सिक्के का सिर्फ अभी एक पहलू देखा है। हाँ। दोनों पहलू को देखने की ज़रूरत है। दोनों पहलू की बात करूँ, आपने वो तो देख लेगा वो किस तरीके से उनको हमला कर रहे हैं, आपने वो नहीं देखा जो फिलिस्तीन जब है। लेकिन महिलाओं को क्यों निशाना बनाया? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं आपने वो चीज़ तो देख ली कि वो महिला को मार रहा हूँ, आपने सिक्के का दूसरा पहलू ये नहीं देखा है आपने कि उन्होंने सपोर्ट भी करा है, मतलब उन्होंने उनको बचाया भी है, उनके बच्चों को खिलाया भी है, उनके बच्चों को पिलाया भी है और उनको एक जो है एक सेफ जोन में पहुंचाया भी है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को मारा नहीं, उन्होंने सपोर्ट भी करा उस चीज़ को जाकर। हाँ। आप ये चीज़ भी देखिए ना। अच्छा, अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम इसराइल के साथ हैं, आतंकवादी के खिलाफ हैं, तब जो है पूरे भारत के मुसलमान सड़कों पर उतर आए कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आपको अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने चाहिए था, वजीर आजम के साथ खड़े होने चाहिए। मैम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो हमारे वजीर आजम है हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। मगर एज ए इंसानियत मैं अगर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि देखिए हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद मुल्क है, ठीक है ना, और आज़ाद मुल्क के साथ साथ जो हमें भी अपनी बात रखने की
पूरी की पूरी आज़ादी है हमें भी, ठीक है ना। तो अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी बात रख दी, अब उन्होंने आवाम को भी तो अपनी बात रखनी चाहिए ना सामने। लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का रिप्रेजेंटेटर है ना मैम। देखिए मैं आपको बताऊं, रिप्रेजेंटेट की बात आपकी ठीक है, मगर देखिए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो ना सभी मेंटेलिटी के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है, सभी मेंटेलिटी के लोड है, ठीक है ना, हर किसी की मेंटेलिटी एक जैसी नहीं हो सकती, और तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ पर थोपने के लिए या किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैम, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ठीक है हम इसराइल के साथ हैं, मगर देखिए अगर एज ए हमदर्दी, अगर एज ए मुस्लिम, अगर मैं यहाँ मुस्लिम की बात करता हूँ मैं, तो एज ए मुस्लिम जो फिलिस्तीनी है वो इतने मजबूत नहीं है लोग, ठीक है ना, ना तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, ठीक है ना, ना उनके पास कोई ऐसे कारोबार है उनके पास में, तो एज ए मुस्लिम। प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री भेजी है, दवाइयाँ भेजी है, खाने के सामान भेजे हैं, फिलिस्तीन पहुंच भी गया, क्या कहेंगे इस पर मैम? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पहल तो सबसे पहले हमें ही करनी चाहिए थी, ये पहल तो हमें सबसे पहले करनी चाहिए थी एज ए इंसानियत। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और हम इस चीज़ की जो सहमति करते हैं, इस प्रधानमंत्री जी के साथ हैं हम, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इस कदम को आगे बढ़ाएं और उनको सपोर्ट करें। तो अभी हम जामा मस्जिद पर हैं और यहाँ पर लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि जो कुछ चल रहा है फिलिस्तीन इसराइल का मामला, उस पर यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। आपने सुना पूरा इतिहास, इन्होंने बता दिया किस तरीके से जो है इसराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया है और उनके साथ बर्बरता की है, और अब उसी बर्बरता का जो है अंजाम है कि अब फिलिस्तीन अपना ज़मीन वापस चाहता है, अपना बदला चाहता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।